श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 के लिए टीम इंडिया के 11 लड़ाके हुए घोषित। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में इन युवाओं को मिला टीम में मौका। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर आ रही है, जहां भारत और श्रीलंका के बीच कुल 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहले T20 सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें कि T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला हमें 3 जनवरी को होता हुआ नजर आएगा। ये मुकाबला मुंबई के मैदान पर खेला जाना है। मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ने वाली है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। बता दें कि जिन युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है वो फिलहाल अपने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड अपनी सरजमी पर श्रीलंका को हराना चाहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कैसी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपको बता दें कि ईशान किशन और संजू सैमसन हमें पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या, राहुल त्रिपाठी, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, शहबाज अहमद, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कुछ ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपके मुताबिक इस प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।